Your CPA duration is again a factor of how much time you put in on a daily basis. उसके अंदर can you do it in 12 months? That is your question. Point is, अगर CPA करनी है, you have to be a bit selfish. Hi viewers, welcome to EduMont and welcome to the new season of podcast series with EduMont. As we discussed in the last episode, हमने डिस्कस किया था कि हम गूगल से न्यू सोर्स टर्म उठाएंगे. जो लोग सीपीए के बारे में गूगल पे सर्च कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, तो आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू स्टडी और यू कैन से हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूर सीपीए बीइंग अ फुल टाइम वर्किंग प्रोफेशनल. सो रोहन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. राइट, टोटली एज अ फुल टाइम working professional, how do you manage a CPA model? So, Rohan, as you know, ki hum EduMont mein we cater to like 90-95% of working professional audience we cater in the market. Correct. Now, working professionals prefer us for some reason. Right. So, my first question to you is, when it comes to working professional, everybody is, into a 9-to-6 job. Mm-hmm. So, how this work, because generally जब हम Google पे सर्च करते हैं ना, it's a 1 year program. So somebody say कि मैंने 9 months में complete करना है, कोई कह रहा है मेरे को 12 months में complete करना है. So how this duration work? क्या मैं कर सकता हूँ 12 महीने में? Is it actually a 1 year course कि मैं कर सकता हूँ? Valid question है. So yeah, your CPA duration is again a factor of how much time you put in on a daily basis and how consistently you put in time. Correct. ये दो चीजें मद्देनजर रखते हुए for a working professional you may have limited time. आपने कहा 9-to-6 की जॉब है, एक्चुअली ये नहीं है. पीपल हू वर्क इन एफएनए दे वुड सॉर्ट ऑफ रिलेट विद दिस कि नौकरी 9-to-6 पार हो जाती है, पता भी नहीं चलता. और मतलब आजकल एवरेज तो 2 घंटा तो ट्रैवल टाइम ही है. मतलब वी लिव इन दिल्ली, सो करेक्ट, कॉमन ट्रैवल, इसका ट्रैवल टाइम ही हो जाता है गुड़गांव जाने के लिए. एग्जैक्टली, इट्स मोर देन दैट. बट विद दैट हैविंग टू मैनेज योर टाइम, उसके अंदर कैन यू डू इट इन 12 months? दैट इज योर क्वेश्चन. 2 घंटा रोज विद कंसिस्टेंसी 12 महीने में सीखी भी जा सकती है, बिकॉज द प्रेपरेशन प्रोसेस टेक्स 12 months एंड यू कैन क्लियर योर एग्जाम्स वन आफ्टर द अदर. इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. बट अगर ये 2 आवर्स आपने ऑन एंड ऑफ करके लगाए, कभी तो हमने ले लिए, कभी नहीं लिए, राइट, तो उस केस में देन द प्रॉब्लम विल बी कि आपको 12 नहीं, आप प्रॉब्ली 18 महीने लग जाएंगे. बिकॉज एवरी टाइम यू डिले योरसेल्फ बाय अ डे, यू गेट डिलेड बाय 2. The factor is such, the time gap is such कि आपने खुद को एक दिन delay तो कर दिया, पर आपकी preparation actually 2 दिन delay हो गई. Because एक तो कुछ भूलने भी लगते हैं, we lose touch, and then also we start to delay ourselves with the gap of time. तो अच्छी चीज नहीं है, उसको avoid करें तो 12 महीने में हो सकता है. It is possible. I would say this is possible for working professionals. Yes. Okay. मैंने खुद भी किया है. So I'll come to that also. That is in my mind. Yes. But okay, adding to this, generally जब हम काउंसिल करते हैं, मैं या मेरी टीम काउंसिल करती है कैंडिडेट्स को, वो जनरली हमसे पूछते हैं कि कितना टाइम है, कि एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन में कितना टाइम लगता है, या मैं एक टाइम में 2 सब्जेक्ट ले सकता हूँ. तो डेफिनेटली उस टाइम पे हम आंसर करते हैं, फिर वो बिकॉज उस प्रोसीजर में 1 महीना लग जाता है कि आज काउंसलिंग किया, विद इन 15 डेज 20 डेज पीपल टर्न आउट एंड गेट ऑन बोर्ड, और होने में 1 महीना लग जाता है ना. तो by the time they get into a batch, तो बहुत सी चीजें मिस हो जाती हैं. And then we have that feature कि we do a game plan call which you take care specifically. वो और कोई faculty नहीं करता, you only do that. I don't let anybody. Game plan call is very important. So वो हर महीने जब आप touch base कर रहे हो with every single candidate, I'm dead sure कि वो ये आपसे question पूछता होगा, सर मेरा ना busy season चल रहा है, या मेरे घर में कुछ इशू है, मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा. I can easily recall that one student was there. That student used to go, CCD. मतलब मैं आपका session, हाँ, मतलब apart from session. So how you handle all those queries कि भैया ठीक है 2 घंटे निकाल लो, but 2 घंटे कैसे? मतलब वो working professional है, उसका issue है. थोड़ा सा क्या issue है ये कह रहे हो? हाँ, मतलब वो कैसे manage करे कि यार वर्किंग के साथ थोड़ा सा टाइम टेबल दे देता हूँ. हाँ, टाइम टेबल, करेक्ट. The exact thing is time table देता हूँ. So if you look at the CPA preparation structure, you would notice that there are 4 subjects, and each subject requires a separate amount of time depending on the subject length. जैसे for example BEC की अगर मैं बात करूँ, which is the most important exam for 2023, at least मेरी नजर में, BEC will require 1 month to 1.5 months for us to train you, give you the classes. And in the interim period, आप पढ़ रहे हो, आप ऐसे नहीं कि आप छोड़ देते हो. मतलब मैंने सैटरडे संडे को क्लास लेनी है, ट्यूजडे थर्सडे को OTB क्लास होनी है, but in the middle when you're free on Monday, when you're free on Wednesday, when you're free on Thursday, Friday, whatever, you will put in time for your preparation as well. तो 1.5 महीना तो ये होगा, उसके बाद 1.5 महीना और सेल्फ स्टडी के लिए जहाँ आप एक्चुअली इंप्रूवमेंट्स करते हो इन योर परफॉर्मेंस. तो इट विल टेक यू 3 months टू प्रिपेयर फॉर BEC. इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल ओनली एबल टू गिव 2 hours डेली, उस बेसिस पर बता रहा, उस बेसिस पर ऑन दिस एग्जैक्ट फ्रेमवर्क ऑडिट जो है दैट विल आल्सो टेक 3 months. 1.5 महीना ऑडिट पढ़ने में जाएगा, 1.5 महीना उसको प्रिपेयर कर. नेक्स्ट अप इज द बिगर सब्जेक्ट्स फार एंड राइट व्हिच आर लेंथियर. वेटेज में कोई फर्क नहीं है, सब पेपर की एग्जैक्ट वेटेज सेम है, बट लेंथ थोड़ी सी फार की ज्यादा है. तो फार टेक्स अप 8 weeks जस्ट फॉर क्लासेस. तो 8 weeks जो है क्लासेस के लिए अगर लगे तो उसका क्या मतलब है, 2 months इसमें लगेंगे, 2 months सेल्फ स्टडी में, तो 4 months फॉर फार. Same is with reg. Reg is also a bada subject. So 4 months for reg. So if you put in only 2 hours daily with consistency, you will find कि आपकी जो timeline है, मैं खींच के बता रहा हूँ, ये begin. Only 2 hours daily कर रहे हो तो आपको कितनी देर लग गई? आपको लगी जी 3 महीने और 3 महीने ये 2 subject ऑडिट और बैक क्लियर करने के लिए 6 महीने, और फिर आपको लगे 8 महीने और फॉर फार एंड फॉर रेग. तो 8 + 6 = 14 हो गई, तो 14 months की टाइमलाइन बन गई है. ये लूजली explained है, and loosely this has been estimated. I'm assuming इसमें कहीं थोड़ा ऊपर नीचे होगा, पेपर पास करके 10 दिन फिर गायब हो जाओगे, फिर आओगे, सब assume करके चलो. मेरे पास जैसे स्टूडेंट आता है, you talk about the game plan call. जिसको नहीं पता मैं उसको बता दूँ, game plan call is just another name for being able to connect with me directly since I am your primary faculty. Right. जो इतनी बड़ी fancy चीज नहीं है, it's just getting on a call with me. Correct. But उसमें क्या होता है कि When we connect with our students, तो problems निकाल के वो देते हैं कि सर मेरे को ये issue आ रहा है, क्योंकि वो one-on-one address हो रही है ना, that is addressing one-on-one. अब ऐसे मुद्दे भी होते हैं, ऐसे मसले भी हैं कि जैसे my wife is not well, so I'm not able to take out time this week. I have to tend to her, she's in the hospital or whatever. My parents are not doing so great. कुछ भी होता है, health का issue घर में किसी को, financial issue हो रहा है, मैं उस पर stress में आ रहा हूँ, whatever. हजार मुद्दे हैं दुनिया में होने के लिए, सारी चीजें आपके साथ होती हैं. Point is अगर CPA करनी है, you have to be a bit selfish. दुनिया से ना ये जो 2 घंटे हैं हमारे, ये लड़कर लेने पड़ते हैं. Your wife is not well, she's hospitalized, you are in the hospital with her. उनको दवाई देके जब सुला दो ना, तो शायद अपनी नींद का 1 घंटा वहां मार कर, 1 घंटा, 2 घंटे भी निकलेंगे आज मैं समझता हूँ, 1 घंटा क्वेश्चंस कर. That is sort of motivation you need to want to become a CPA. 2 तरीके लोग हैं भाई जिनकी CPA होगी, दो ही है भाई. एक वो जिसके लग्जरी है पढ़ने की, घर वालों ने सब कर रखा है, छत है, खाने को है, गाड़ी वाड़ी सब, आपको दिक्कत नहीं है, कुछ कमाना नहीं, पढ़ने का पढ़ेगा, ओनली जॉब इज टू स्टडी, हो जाती. दूसरी वो जनता होती है जिसको अपने हालात बदलने, जिन्हें अपने हालात बदलने वो पढ़, उनके अंदर आग होती है समय निकालने की, 2 घंटा अलग करने की, पढ़ने की. कंसिस्टेंसी इज की, दैट इज द पॉइंट. करेक्ट. आओ मैंने टाइमलाइन तो बताई कि साथ में थोड़ा सा मैंने अपना ज्ञान भी दे दिया, बट पॉइंट इज दैट इज आल्सो नीडेड. राइट. सो रोहन, ऑब्वियसली वो टाइमलाइन आई थिंक विल हेल्प यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि इट इज नॉट ओनली अबाउट 9 months एंड 12 months, इट इज आल्सो अबाउट कि आप दिन में कितने घंटे दे पा रहे हो, वो भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा साथ में. इट इज नॉट ओनली अबाउट द इंस्टीट्यूशन सेइंग कि मैंने 9 महीने 12 महीने में हम कोर्स करा होता. आमतौर पे बहुत ये है कि जैसे कोई पढ़ाई करता है तो फर्स्ट सब्जेक्ट यू टेक इट लिटिल स्लो एनीवे. करेक्ट. सेकंड सब्जेक्ट व्हेन यू पास, फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, योर कॉन्फिडेंस इज थ्रू द रूफ. राइट. यू टेक अप द थर्ड द फोर्थ सब्जेक्ट विद स्पीड. हां, इसलिए वो 14 महीने का एस्टिमेट मैंने दिया, तो इट इज पॉसिबल समबडी हु इज रियली इनटू इट and as clear to exams will find के थोड़ा जल्दी हो जाता है. 4 नहीं लगते मेरे को रैंक में, मुझे रैंक में 3 ही लगता है, मुझे फार में 3 ही महीने, तो 12 में कर जाता है. ये बात अगेन लाइक आई सेड यार, 2 चीजें लगती है, एक तो पढ़ाई करने की डेडिकेशन चाहिए जी और कंसिस्टेंसी चाहिए. करेक्ट. वो आपको रेगुलर 2 घंटे अगर हैं निकालने हैं तो फिर निकालने ही है, यू डू नॉट हैव अ चॉइस ओवर. ठीक है रोहन, सो आई थिंक ये 2 घंटे का थंब रूल आपने भी फॉलो किया था. So what was your success mantra? Because when I easily recall one student has asked the question in the past webinar कि सर आप EY से हो, आपने अपनी CPA कब करी थी, कैसे करी थी? तो आपने उसको बोला कि मेरी I think within 9 months हो गई थी and you were working in EY at that time. So what was that success mantra? So 9 months नहीं थे, it was 7 months. Okay. नहीं, but let me give you the real picture. ऐसे नहीं, साथ में genius नहीं हो, रुक जाओ. 7 months का पीरियड था फ्रॉम फर्स्ट एग्जाम टू लास्ट, ये था. इट टुक मी 7 months टू क्लियर ऑल द 4 एग्जाम्स इन कंटिन्यूएशन, एक के बाद एक के बाद. पहला क्लियर हुआ, उसके बाकी 3 निकल गए. मेरा सिस्टम ही होता था मोहित, मेरे को ऑफिस में पसंद नहीं करते थे ज्यादा. ओके, बिकॉज़ आई वाज अ वेरी सेल्फिश एम्प्लॉई. आई वाज नॉट एन एम्प्लॉई हु इज अवेलेबल एट लेट आवर्स. आई वुड वांट टू, मैं अगर गोची मार सकता होता था तो मैं मारता. आई वुड वांट टू टेक आउट माय 2 आवर्स फर्स्ट. मैं जल्दी कट लूंगा ऑफिस से, मुझे घर जाना है, मुझे 2 घंटा पढ़ना है. अब होता ये था, वी वर एन ऑडिट. ओके, अगर स्ट्रगल की बात करूं तो मैं बता देता हूँ, तभी मैं स्टूडेंट से रिलेट कर पाता हूँ. आई वाज इन ऑडिट. ऑडिट में बिजी सीजन जो होता ना, उस समय स्लेव वाली लाइफ हो जाती है. घड़ी बड़ी समय वामे देखने का टाइम नहीं होता. आपको 12-12-1 बजे तक ऑफिस बैठने का ही बार. 3 महीने के पीरियड में 10 बार तो बैठोगे आपको 12 बजे तक के आसपास, लेट करोगे मिनिमम. तो बिजी सीजन भी काटना था. आई यूज्ड टू स्टे इन ईस्ट दिल्ली, तो बिहार, तो दूर भी बड़ा पड़ता था यार. गुड़गांव से वहां इतना 1 घंटा 20 मिनट ड्राइव, मोर देन 1 आवर. वो भी 1 साइड, तो 2 साइड तो वो भी एक प्रॉब्लम है. और गाड़ी में मैं नहीं पढ़ पाता, मुझे मोशन सिकनेस होने लगी जाती. अगर मैं स्क्रीन पे देखता रहूं ना गाड़ी में, मतलब टैक्सी है, ईवाई टैक्सी प्रोवाइड करती थी, टैक्सी में जा रहे तो मैं वो स्क्रीन देखते मैं नहीं पढ़ पाता. वो भी प्रॉब्लम थी, इस प्रकार था मेरा. बट वही वो 2 आवर्स निकालने हैं ये पता था, क्योंकि मुझे शायद मैं दूसरी कैटेगरी के लोगों में था. मुझे अपने हालात बदलने, मुझे रुकना नहीं था जहां मैं था उस जगह. मुझे निकलना था, आगे बढ़ना. और वो टेक आउट माय 2 आवर्स सेल्फिशली. और कई बार नींद से काटे. अगर रात को 1 बजे वापस आया हूँ तो ठीक है, 1 बजे आ गया ना, 2 घंटे नहीं भी पढ़ पाऊंगा, 1 घंटा पढ़ूंगा. हाथ मुंह धोके, खाना खा के, डिनर करके आप बैठ रहा हूँ और तब तक पढ़ूंगा जब तक या तो 1-2 घंटा पूरा नहीं हो जाता मेरा कोटा आज का. यहाँ पे मेरी आंखें झुक नहीं जाती नींद से, मैं अपना काम करूँ. ये इस तरीके की डेडिकेशन चाहिए. अगर आपने कुछ भी करना है लाइफ में, सीपीए हो या कोई भी चीज हो, अपनी दुकान भी अगर चलानी हो आदमी को, तो भी इस तरीके की डेडिकेशन लगती है. तो आई होप व्यूअर्स आपको एक चीज तो इसमें क्लियर होगी. सीपीए में ना मोटिवेशन के साथ साथ रूटीन भी बहुत जरूरी है. मोटिवेशन तो रोज आएगी और शाम तक शायद डाउन भी हो जाए, बिकॉज आप ऑफिस जाते हो, मीटिंग्स होती हैं, कॉल्स होती हैं, यू एग्जॉस्ट, राइट? आप एग्जॉस्ट कर जाते हो. बट व्हेन इट कम्स टू योर रूटीन, अगर आपको लग रहा है कि 2 घंटे आपके निकालने के हैं तो निकालो उसको और फिर कर लो. तो देखो एक चीज और, निकालने के नहीं होते हर बार 2 घंटे. अब अगर मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूं, जैसे हमारे पास एक कैंडिडेट है, मैं नाम ना भी लूं अगर तो भी जो पहचानते हो पहचान देंगे. शी इज एन असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट एट जेपी मॉर्गन, टॉप की ऑफ द बेस्ट, रीच दिस डेजिग्नेशंस, राइट? शी इज डूइंग हर सीपीए अलॉन्ग विद इट. शी इज रिसेंटली क्लियर्ड हर रेगुलर. सो आई आस्क्ड हर, आप कब पढ़ रहे? सो शी यूज्ड टू टेल मी कि मैं सुबह जल्दी उठती हूं, 8 बजे से मेरे को तैयार होके घर का काम करके, कुछ घर का काम भी करना खुद पड़ता है कुछ, फिर मेरे को तैयार होके ऑफिस निकलना होता है. 8 बजे से मैं बिजी हो जाती हूँ, उसको 6 बजे उठती हूँ, 6 से 8 में पढ़ती हूँ, 2 घंटा में निकालती हूँ. ये डेडिकेशन चाहिए होती है, नींद के काटने पड़ते. आई एम नॉट अ नाइट पर्सन, मतलब आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, आई एम क्वाइट लिटरली अ नाइट पर्सन. आई प्रेफर लेटर इन द इवनिंग, मेरी एनर्जी एज द डे प्रोग्रेसेस इंक्रीजेस. पर मुझे पता मेरे जैसे रात को ज्यादा एक्सप्रेशन एनर्जी होती है, तो आई प्रेफर दैट टाइम. और शांति होती है, काम होती है. आई वुड स्टडी देन. तो आपने सैक्रिफाइस अ लिटिल यार, कुछ भी करने के लिए, स्पेशली सीपीए करनी है तो रूटीन 2 घंटा जैसा आपने कहा, सैक्रिफाइस, कंसिस्टेंसी ऑफ दैट रूटीन इज इंपॉर्टेंट. एंड ऑफ कोर्स मेंटरशिप आल्सो हेल्प्स ऑब्वियसली. मतलब अगर प्रॉब्लम है और उसको कोई सुनने वाला नहीं है तो फिर वो तो प्रॉब्लम 2x हो गई, सॉल्यूशन खुद ढूंढना पड़ेगा. दैट्स द ब्यूटी ऑफ द गेम प्लान, राइट? वीडियो कनेक्ट कर लो, बात कर लो, मेरे को अपना पर्सनल प्रॉब्लम भी बताओगे, आई ट्राई एंड सी इफ आई कैन फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर दैट वर्क्स फॉर यू. राइट, और आपका पढ़ाई का मामला फिट हो जाएगा कहीं। 2 घंटा नहीं करना तो 1 घंटा तो निकलेगा, 1 घंटे में 60 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, 30 तो करोगे, डेली टारगेट तो बनेगा, उस सिस्टम से चलते। करेक्ट। So viewers, I think that has given you a very clear picture कि CPA 12 महीने में भी हो सकती है, 9 महीने में भी हो सकती है। It's just that कि आपको अपनी रूटीन बनानी है, आपको अपना मोटिवेशन मेंटेन करना है। तो इवन दो देयर आर पीपल जो शायद एडुमॉन्ट के साथ एनरोल नहीं है एंड दे आर फेसिंग इश्यूज इन देयर टाइम टेबल वाला थिंग, they can also reach out to us. You can visit to EduMont Classes, drop your number, drop your details, we'll get in touch with you, and in some cases if it is needed, I'll help you to connect, or my team will help you to connect with even Rohan, where he he can help you on your Absolutely. areas. And then we have a upcoming webinar on coming Saturday 4:30, so the link will, you can find that link in the description, wahan pe jaake register kar sakte ho aap, and then we can meet in the webinar, और वहाँ पे तो फिर हम स्क्रैच से सारी चीजें कवर करते ही हैं। अगर इसके अलावा कोई चीज है जो आप सर्च कर रहे हो गूगल पे बट आपको उसकी क्लैरिटी नहीं मिल रही, आप कमेंट्स में वो टॉपिक डाल दो, we'll definitely cover that. Absolutely. Put your questions in the comment. We'll be happy to respond. Right. We'll be happy to do a podcast on it. And on top of that, if you have anything that you want to discuss with us, do feel free to reach out to us for any guidance, any counsel. Right. But with that being said, please do like, share, subscribe, and even comment on our videos. Yeah. Thank you so much.